लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया. ये वाला आपने जस्ट रीड कर लेना है, ठीक है. और उसके बाद हम आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट यूक्यू की तरफ, विच इज़ द ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, जिसको हमने डिस्कस करना है. यहाँ पे सबसे पहले देखें, ओटाइटिस मीन्स के ईयर की इन्फ्लेमेशन हो गई हुई है. मीडिया मीन्स के कौन सा ईयर है, मिडल ईयर है, ठीक है. और कौन सी इन्फ्लेमेशन हुई है, इफ्यूजन वाली हुई है. इसमें हमारे पास फ्लूइड आएगा, ठीक है. जो हमने ओटाइटिस मीडिया पीछे वाला देखा था उसमें सपोरेटिव था, पस आई हुई थी. इसमें क्या है, इसमें फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड है. अब हम देखते हैं कि वो फ्लूइड होता क्या है, किस तरह से आता है. फिर हमने देखा कि होता क्या है कि हमारे मिडल ईयर में फ्लूइड आ जाता है, ठीक है. फ्लूइड मैं इसको ब्लू से करूँगी ताकि आपको पता चले कि इसमें अब फ्लूइड है, पस आपको येलो कलर की नज़र आती है, ठीक है. अब होता क्या है, क्या पैथोजेनेसिस है, क्यों फ्लूइड आ जाता है. हमने कल डिस्कस किया था कि हमारी जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है ना, वो नॉर्मली क्या कर रही होती है, बंद होती है, ठीक है. नॉर्मली एक होती है बंद होती है, ठीक है, बंद होती है. और जैसे ही हम यॉनिंग करते हैं या हम स्वेलो करने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान क्या हो जाता है, ये खुल जाती है, ठीक है, ये खुल जाती है. और जब ये खुलती है तो जो हमारा प्रेशर होता है वो बैलेंस हो जाता है, मिडल ईयर का और एक्सटर्नल ईयर का बैलेंस हो जाता है प्रेशर. जब ये बंद होती है तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होता है, यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर होता है एयर का. जब ये खुल जाती है तो उससे क्या होता है कि प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है, इक्वलाइज हो जाता है दोनों हमारे एक्सटर्नल और मिडल ईयर का. और दूसरा काम ये क्या करती है, जो भी फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है हमारे मिडल ईयर में, साथ ये खुलती है जब हम यॉन करते हैं या स्वेलो करते हैं, खुलती है और यहाँ से क्या हो जाता है, जो है वो फ्लूइड हमारे नाक के अंदर आ जाता है, नेसोफेरिंक्स में आ जाता है, ठीक है. सो ये हमारी यूस्टेशियन ट्यूब का नॉर्मल काम होता है. अब क्या होता है ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन में, कि सबसे पहली पैथोजेनेसिस आपकी बुक में लिखी हुई है कि मैल फंक्शनिंग हो जाती है आपकी यूस्टेशियन ट्यूब की. तो यूस्टेशियन ट्यूब ने जो काम करना था अब वो नहीं कर पाएगी किसी भी तरीके से. जो हमने पढ़ा था कि पेशेंट को फ्लू हो सकता है, पेशेंट को साइनोसाइटिस हो सकता है, पेशेंट को क्या हो सकता है, एडिनॉइड्स, उसके एडिनॉइड्स टॉन्सिल्स होते हैं वहाँ पे, हमारे पास टॉन्सिलाइटिस या जो है क्रोनिक राइनाइटिस हो सकता है, एडिनॉइड हाइपरप्लेसिया हो सकता है, कोई ट्यूमर्स हो सकते हैं अंदर बने हुए, पैलेट के कोई डिफेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक पैलेट डिफेक्ट्स हो सकते हैं. इन सब केसेस में क्या होता है कि हमारी जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है वो ब्लॉक हो जाती है, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. क्यों? क्योंकि ये भी हमारे नेसोफेरिंक्स के साथ कनेक्टेड है, तो जो भी नोज या फेरिंक्स की एबनॉर्मेलिटी होगी वो हमारी यूस्टेशियन ट्यूब को भी ब्लॉक कर देगी, एक्लूड कर देगी. जब हमारी यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे मिडल ईयर में फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा. अब वो ब्लॉक्ड है, ब्लॉक मीन्स अब उसने अपना नॉर्मल जो काम करना था, हमारे जो एक्सटर्नल मिडल ईयर का जो प्रेशर है उसको इक्वलाइज करना था, अब वो भी नहीं कर पाएगी. और जो भी फ्लूइड हमारे मिडल ईयर में इकट्ठा होगा वो वहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा, उसको ड्रेन करने वाला कोई पैथवे नहीं होगा. अंदर की तरफ तो इनर ईयर है और यहाँ से ब्लॉक है, यहाँ से हमारे पास जो ईयर ड्रम ने उसको ब्लॉक किया हुआ है, ऊपर हड्डी है, बोन है, नीचे हमारी यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है. अब जो भी यहाँ पे फ्लूइड होगा वो यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा, उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा. तो जब वो इकट्ठा होता जाएगा तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर भी हमें, जब हम इधर से ऑटोस्कोप से अंदर देखेंगे तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे क्या नज़र आएगा, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसी नज़र आएगी हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको कैसी नज़र आ रही है, आपको ये बबल्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले बबल्स, ये फ्लूइड ऐसा लग रहा है कोई बबल्स बने हुए हैं, फ्लूइड इकट्ठा हुआ है सारा. और आपको क्या नज़र आ रहा है, और आपको ये ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं ऐसे ऐसे करके, ब्लड वेसल्स रेड हुआ हुआ नज़र आ रहा है. और क्या नज़र आ रहा है आपको, वो कोन ऑफ लाइट नहीं नज़र आ रही. कोन ऑफ लाइट आपको नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे आपको पता है इस तरह नज़र आ रही होती है. अगर राइट साइड की हो तो 5 o'clock पोजीशन पर नज़र आती है, और अगर लेफ़्ट साइड की हो तो कोन ऑफ लाइट आपको 7 o'clock पोजीशन पर नज़र आ रही होती है. अब देखें, अब हमारी जो है कोन ऑफ लाइट भी आपको कहीं नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको इस तरह से नज़र आएगी. इससे आपको पता चल जाएगा कि कुछ मसला चल रहा है, हमारी मिडल ईयर में फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, ठीक है. सो आपको ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी आपको डल सी नज़र आएगी, ओपेक सी नज़र आएगी, लाइट रिफ्लेक्स इस पर ख़त्म हो जाएगा, आपको येलो ग्रे या ब्लूइश इन कलर नज़र आएगी, आपको थिन लीश और ब्लड वेसल्स जो हैं वो आपको थिन नज़र आएंगी, ठीक है. और आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो आपको थिन पतली सी नज़र आएगी, ठीक है. और जो है इसमें आपको एयर बबल्स नज़र आ रहे होंगे या आपको नज़र आ रहा है. और इसकी जो मोबिलिटी होती है नॉर्मल, कि जब बाहर से साउंड वेव्स आती है और ये अंदर की तरफ मूव कर रही होती है नॉर्मली, और अंदर की तरफ हमारे साउंड को ट्रांसमिट करती है हमारी बोन्स के अंदर मिले इनके स्टेपेस. अब वो साउंड अंदर ट्रांसमिट नहीं होगा तो इसकी मोबिलिटी भी रिस्ट्रिक्टेड नज़र आएगी आपको, इसकी ये मूव नहीं कर पा रही होगी, ठीक है. सो ये क्यों हो रहा होगा,
क्योंकि हमारी यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो गई थी। हमारी यूस्टेशियन ट्यूब जब ब्लॉक हो गई तो हमारे पास जो फ्लूइड है उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा कोई बाहर निकलने का, तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता जाएगा, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर एयर बबल्स बन जाएंगे, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर जब ब्लड वो जो प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड वेसल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो नॉर्मल कोन ऑफ लाइट हमें नज़र आनी थी, राइट साइड का कान है तो हमें 5 o'clock पर नज़र आनी थी, वो कोन ऑफ लाइट भी हमारे पास फ्लूइड के इकट्ठे होने की वजह से ख़त्म हो जाएगी। हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मूव नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को कंडक्टिव डेफनेस हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जब एक्सटर्नल ईयर या मिडल ईयर की अंदर कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो तो उसकी वजह से कंडक्टिव डेफनेस होती है, तो पेशेंट की कंडक्टिव डेफनेस स्टार्ट हो जाएगी। और ये कंडक्टिव डेफनेस कितनी होती है आपने याद रखना है, ये 20-40 डेसिबल्स की होती है, इतनी इंटेंसिटी की जो हियरिंग लॉस हो जाता है पेशेंट को, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका सारी मिडल जो ईयर है वो फ्लूइड के साथ भरी हुई है, ठीक है। सो ये आपके पास है, एक तो हमारे पास पैथोजेनेसिस में ये हो गया। दूसरा आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हमारी जो मिडल ईयर है उसका जो म्यूकोज़ा है वो खुद ही अपनी सिक्रीटरी एक्टिविटी ज़्यादा कर रही है, सिक्रीशंस उसकी जो म्यूकोज़ा से जो सिक्रीशंस हो रही होती हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। सो इससे हमें पता चल रहा होता है कि अंदर म्यूकस या सीरस सिक्रीटिंग सेल्स जो हैं, हमारी जो म्यूकोज़ा होती है ना, देखिए म्यूकोज़ा होती है, सब म्यूकोज़ा होती है, फिर हमारा सारा वो जो पूरी लेयर्स होती हैं एपिथीलियम के नीचे, अब हमारी म्यूकोज़ा जो होती है ना उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे म्यूकस या सीरस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं। तो हमें जब हम बायोप्सी करवाते हैं तो हमें ये सीरस सिक्रीटिंग सेल्स ज़्यादा मिलते हैं, इससे हमें पता चल रहा होता है कि हमारे सीरस सिक्रीटिंग सेल्स ज़्यादा हो गए हैं, उन्होंने अपने फ्लूइड की प्रोडक्शन ज़्यादा कर दी है, तो ये भी हमारे पास दूसरी पैथोजेनेसिस हो जाती है। एक कि हमारी यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है, दूसरा ये कि हमारी जो सिक्रीटरी एक्टिविटी है मिडल ईयर में वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है। सो ये एक्यूमुलेशन किस चीज़ की हो रही है, नॉन पुरुलेंट है, इसमें कोई पस नहीं हो रही होगी, और ये हमारे पास जो है थिन और सीरस होती है, ठीक है, थिन और सीरस। पस आपको जो है ना सही थिक नज़र आ रही होती है, येलो कलर की पस होती है ऐसे करके, ठीक है, और ये आपके पास जो है पतली सी होगी और सीरस सी होगी, इसमें कोई मतलब इतना नहीं होगा। और इसमें जो आपने डिस्टिंग्विश करना होता है वो ये कि ये ज़्यादातर बच्चों के अंदर होती है, मैंने बच्चों में बताया था ना, ये तो अडल्ट की दिखाई हुई है, बच्चों की जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है ना ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है और बहुत ही छोटी सी होती है, ठीक है, और वाइड होती है, तो इजीली जो है नेसोफेरेंस के साथ जो कनेक्शन होता है वो इजीली इन्फेक्शन जो है वो इधर ट्रेवल कर जाता है। मैंने आपको दिखाई थी बच्चों की, ये तो डेल्ट की दिखाई हुई है ना, वर्टिकल सी है, लॉन्ग सी है और नैरो सी है, तो इस वजह से ना स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं ना उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। और इसकी कॉजेज भी मैंने आपको बता दिए हैं कि मेल फंक्शनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब में एडिनॉइड हाइपरप्लेसिया हो सकता है, क्रोनिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वगैरह की वजह से, एलर्जी की वजह से, कोई पेशेंट को पहले से सीजनल एलर्जी थी वो चल रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे एडिमा वगैरह स्टार्ट हो गया, सॉरी, ठीक है, ये बच्चों की वही वाली दिखाई हुई है, तो ये देखें इस तरह से क्या हुआ कि हमारे बच्चों के अंदर पहले से एलर्जी चल रही थी, उसकी वजह से एडिमा होगा, सिक्रीटरी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हुई, एलर्जी की वजह से हमारा मिडल ईयर ब्लॉक हो गया, या पहले से उसको ओटाइटिस मीडिया था, हम पीछे जो ओटाइटिस मीडिया देखा उसको पहले से कोई इन्फेक्शन चल रहा था मिडल ईयर का, जिसको हमें एंटीबायोटिक्स दी लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये सीरियस ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, या पेशेंट को पहले से कोई वायरल इन्फेक्शन था, कोई एडीनो वायरस था, कोई इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस थे, उन्होंने हमारी यूस्टेशियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। उसके बाद जी हमारी क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जब हमारा पूरा फ्लूइड हमारे कान में भर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से पेशेंट को हेयरिंग लॉस, ठीक है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाएगा उसको, और क्या होगा, उसको पेन हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है जहाँ पे इतनी ज़्यादा पेन नहीं होती, पेन आपकी जो है ना सबसे ज़्यादा वो सीरियस ओटाइटिस मीडिया में होती है, सॉरी उसमें होती है सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया में पेन ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे पस होती है, वहाँ पे फीवर भी होता है, यहाँ पे फीवर नहीं होता, आपने याद रखना है आपके सिनेरियो में अगर फीवर का वर्ड आ जाए तो आपने कभी भी सीरियस ओटाइटिस मीडिया नहीं लिखना, ठीक है। सीवियर पेन अगर हो तो आपने सीरियस ओटाइटिस मीडिया को नहीं देखना, मैं आपको बताऊँगी कि डायग्नोस्टिक पॉइंट्स क्या होते हैं। ईयरफुलनेस तो होगी, क्योंकि देखिए जब भी हमारे कान में कोई चीज़ भर जाती है तो ऐसे लगता है ना ईयरफुलनेस, और पेशेंट जो है ना बच्चा जो होगा ना वो इस तरह से हो जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ना इनकी क्योंकि हेयरिंग लॉस हो जाता है ना बचपन से, और वो कुछ सुनेंगे तो कुछ बोलेंगे ना, ठीक है, कुछ सुनेंगे तो कुछ बोलते हैं, तो उनकी लर्निंग एबिलिटीज ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, वो स्पीच डिफ़िकल्टी होना शुरू हो जाती है, उनका बिहेवियर डिफरेंट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता, तो ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे हमें लगता है कि कुछ ना कुछ तो मसला चल रहा है, माँ नोट कर लेती है बच्चों की, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग्स मैंने आपको बता दी हैं, हियरिंग लॉस मैंने आपको बता दिया कि होता है, डिफेक्टिव स्पीच हो जाती है, माइल्ड एयरिक्स होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है।
तो अब हम कर लेते हैं, ये देखें बच्चे की जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ हुआ है, माँ परेशान हो गया, पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को, ठीक है। तो अच्छा जी, होता क्या है कि हम ना इसकी हियरिंग टेस्ट क्या करेंगे, ये बच्चा आपके पास आता है तो सबसे पहले आप ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करोगे। ट्यूनिंग फॉर्क से आपको पता है, मैंने आपको बताया था, रीनीस टेस्ट करते हो। रीनीस टेस्ट आप क्या करते हो, बच्चे के इधर जो है वो ट्यूनिंग फॉर्क लगाओगे, ठीक है। और मतलब बच्चा तो नहीं, वैसे छोटा थोड़ा सा बड़ा बच्चा होगा वो आपको बता ही देगा कुछ ना कुछ, अगर तो के कंडक्टिव उसको सुनाई नहीं दे रहा। कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगी, बोन कंडक्शन इज़ ग्रेटर देन एयर कंडक्शन, तो उस केस में क्या होगा, रीनीस टेस्ट आपका नेगेटिव आ रहा होगा। इन्होंने वैसे ही लिख दिया लेकिन बच्चे तो नहीं बता सकते, उसके लिए आप ऑडियोमेट्री ही करते हो। ऑडियोमेट्री में क्या करोगे, आप ऑडियोमेट्री करते हो तो आपके पास इस तरह से ग्राफ आता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ऊपर, और ये आपका जो है वो हेयरिंग लॉस आपको इंटेंसिटी बताती है। अब मैंने आपको बताया यहाँ पर जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा वो 20 to 40 के दरमियान में होगा। अब आप नोट कर रहे होंगे कि ये 40 तक लाइन एक्सटेंड कर रही है, मीन्स दैट के नॉर्मल जो आपका यहाँ तक आना था 20 तक, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल रेंज होती है। ये सारी जो मैं ब्लू के साथ कर रही हूँ ये आपकी नॉर्मल रेंज होती है, लेकिन अगर इससे नीचे ग्राफ चले जाए मीन्स दैट के पेशेंट के अंदर हेयरिंग लॉस चल रहा है, और यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हेयरिंग लॉस चल रहा है वो 40 डेसिबल्स तक गया हुआ है, ठीक है। 20 to 40 डेसिबल्स का पेशेंट को जो है वो लॉस आ रहा होता है। अब इसमें एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे, मैंने आपको बताया था कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में आपको दो लाइंस मिलती हैं, आपको एक ये लाइन मिल रही है, आपको एक ये लाइन मिल रही है। इसमें आपको क्या पता चल रहा होता है, एयर और बोन कंडक्शन का गैप पता चल रहा होता है कि बोन कंडक्शन इज़ ग्रेटर देन एयर कंडक्शन, ठीक है। वो आपको बताता है कि टू लाइंस हैं, तो टू लाइंस अभी आप देखो तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का होता है, अगर एक लाइन देखो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का होता है, ठीक है। इसके अलावा आप नोट कर रहे होगे कि ये लोअर फ्रिक्वेंसीज पर ज़्यादा मसला आ रहा है, आगे जा के जो है ये दोनों मतलब मिल जाती हैं, ठीक है। तो लो फ्रिक्वेंसी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। तो ऑडियोमेट्री में आपको क्या पता चलता है, आपको पता चल रहा होता है कि पेशेंट को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है 20 to 40 डेसिबल्स का, ठीक है। और इस तरह से जो है ना आपके पास ये आएगा। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इन्वेस्टिगेशन। थर्ड इन्वेस्टिगेशन जो आपकी होती है दैट इज़ अबाउट द टिम्पेनोग्राम, ठीक है। आप टिम्पेनोग्राम से करते हो, टिम्पेनोग्राम क्या होता है, टिम्पेनोमेट्री में ना देखें हम करते क्या है, हम ना बाहर से ना प्रेशर देते हैं, ये आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है और अंदर आपका मिडल एयर है। यहाँ से हम क्या देते हैं, प्रेशर देते हैं, ठीक है। अब ये प्रेशर करेगा जाके हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। अब जितनी हम जो है ना अंदर देंगे ना प्रेशर, अगर तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जितनी ज़्यादा सख्त होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। कुछ तो हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाती है ना एनर्जी, और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। अब जितनी ज़्यादा वो सख्त होगी ना, स्टिफ होगी, उतनी ज़्यादा वो पीछे रिफ्लेक्ट बैक करेगी अपनी एनर्जी, ठीक है। लेकिन जितनी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है फ्लैसिड होगी, ठीक है, उतनी जो है ये रिफ्लेक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। अब जो है हमारे पास हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसमें हम देखते हैं बिटवीन द प्रेशर और जो कंप्लाइंस है। अब जो कंप्लाइंस होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड, ठीक है। अब जितना जो है वो सख्त ईयर होगा, देखें स्टिफ ईयर है तो उसकी कंप्लाइंस कम है, तो ग्राफ ऐसे आएगा। नॉर्मल ईयर में हमारे पास ये था, ये नॉर्मल ईयर था, ठीक है। लेकिन जितना वो जो है वो स्टिफ होता जाएगा, कंप्लाइंस कम होती जाएगी ना, प्रेशर ज़्यादा होगा तो कंप्लाइंस कम होगी, तो इस तरह से ग्राफ आएगा। और जब हमारे पास कंप्लाइंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स दैट हमारा जो कान है वो फ्लैसिड हुआ हुआ है, तो प्रेशर ज़्यादा करने से कंप्लाइंस जो है वो ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स दैट कि हमारा जो कान है वो फ्लैसिड हुआ हुआ है, ठीक है। सो इस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास ग्राफ है वो ऐसे आता है। अब जो हमारा होता है ना इस केस में क्या होता है, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन आर प्रेशर एंड बिटवीन आर कंप्लाइंस, तो कंप्लाइंस जो होती है वो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती, ठीक है, थोड़ी सी हमारे पास रिड्यूस होती है लेकिन इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती। जैसे आपको नॉर्मल से अगर नज़र आएगी टाइप बी वाली जो आपको शो हो रही है ना, ये टाइप बी वाली, ये हमारे पास एक्चुअली शो कर रही है कि टाइप बी शोज़ द फ्लूइड इन द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। बस आपने याद रखना है टाइप बी जब आपके पास आएगी ना, तो टाइप बी टिम्पेनोमेट्री शोज़ दैट कि ये आपके पास जो है फ्लूइड शो करती है, फ्लैट कर्व आती है आपके पास। और इन केस ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन विद फ्यूजन, और टिम्पेनोग्राम का दूसरा नाम होता है इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जो बच्चे होते हैं वो तो हमें नहीं बता सकते ना हमें कितना सुनाई दे रहा है, तो फिर हम उनका कान जो है वो इस तरह से चेक करते हैं। और जब हमें टाइप बी मिल जाए ना, तो उससे हमें पता चल रहा होता है कि बच्चे के अंदर जो है ना फ्लूइड इकट्ठा हुआ है कान के अंदर। और जो चौथी चीज़ होती है जिसे हम आइडेंटिफाई कर, वो हम करवाते हैं एक्सरे मैस्टॉइड, ठीक है। आपने जब लिखना होता है ना, तो आप एक्सरे मैस्टॉइड लिखते हो, इसमें आप ये वाला व्यू करवाते हो, शोला व्यू, ठीक है, शोला व्यू कहते हो आप इसको। इसमें आप क्या करते हो कि एक्सरे जो है उसको आप 30 degree पे, इस तरह से आपका स्कल होता है और आप 30 degree पे ऐसे एक्सरे बीम जो है फॉल करवाते हो, 30 degree का एंगल बनना चाहिए आपका, ठीक है।
तो उससे क्या होता है कि आपके जो मैस्ट्रॉइड एयर सेल्स होते हैं वो व्यू हो जाते हैं। मैस्ट्रॉइड एयर सेल्स को देखने के लिए आप इस तरह से एक्सरे मैस्ट्रॉइड करवाते हो तो वो आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। मैस्ट्रॉइड एयर सेल्स में क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था ना आपके कान के पीछे जो है वो मैस्ट्रॉइड एयर सेल्स होते हैं, पूरा वो जो मैस्ट्रॉइड का हमारे का सिस्टम होता है पीछे जो है मिडल एयर क्लेफ्ट में, ठीक है। तो जब फ्लूइड इकट्ठा हुआ होगा मिडल एयर में तो वो पीछे भी चले जाएगा, मैस्ट्रॉइड एयर सेल्स को भी सारा जो है फ्लूइड से भर जाएगा, भर देगा। तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन में जो है ना एक्सरे करवाते हैं मैस्ट्रॉइड का और हमें उसमें जो है फ्लूइड नज़र आता है। सो ये आपकी होगी इन्वेस्टिगेशंस। नेक्स्ट से हम ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं, इसका स्क्वेलर डिस्कस कर लेते हैं और इसके पास पेपर्स देख लेते हैं।